Let's do question number first of exercise 12.2, that is Heron's formula. Question number first is, a park is in the shape of a quadrilateral ABCD. एक पार्क है जो quadrilateral form में ABCD के, has angle C 90 degree. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे figure बना लेते हैं कि उसका angle 90 degree का है. तो ये देखिए, ये base हो गया और उस पर ये 90 degree का angle बन गया, राइट. अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए बी 9 मीटर एंड बी सी 12 मीटर. तो ये आ गई हमारी बी एंड सी, ये 90 डिग्री का था, ये 12 मीटर हो गया. अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए बी 9 मीटर है. ए बी मान लीजिए ये ए है, 9 मीटर हो गया, राइट. अब क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सी डी 5 मीटर. ये सी डी समझ लीजिए, ये 5 मीटर है और ए डी है हमारा 8 मीटर. ए डी है हमारा 8 मीटर, राइट. ये आ गया. अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. तो इस क्वाड्रिलेटरल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है ये बताना है. तो कैसे करेंगे? देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जब भी हमें थर्ड साइड निकालनी है. और इसको हम बी डी को ज्वाइन कर देंगे जो कि हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज. तो हमने क्या किया, इस बी डी को ज्वाइन कर दिया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. अब हम देखिए इस ट्राइंगल में कौन से बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा सकते हैं ये वाली साइड निकालने के लिए. अब ये साइड क्यों चाहिए? ये साइड पता चल जाएगी तो हमें इस ट्राइंगल का, ए बी डी ट्राइंगल की तीनों साइड पता चल जाएंगी और हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, राइट. क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए उसको हमेशा डायगनल बना के ट्राइंगल बना लेते हैं और ट्राइंगल के थ्रू हम अपना फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल लेते हैं. तो अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? सबसे पहले अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी सी डी की. तो हमें इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी क्या है, इज ऑफ 90 डिग्री. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. परपेंडिकुलर का या हाइट का बात एक ही है. तो ये कितना आ गया, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर. अब बी डी हमें गिवन नहीं है, निकालनी है, तो एज इट इज बी डी लिख देंगे, बी डी स्क्वायर. अब बी सी हमें 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर, और सी डी हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 12 का स्क्वायर हमें पता है, हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो बी डी स्क्वायर कितना आया? यहाँ आपको स्क्वायर करना नहीं आता, इसका मतलब 12 × 12 करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा. इसी तरीके से 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा. अब 144 प्लस 25 हमें पता है 169 हो गया. अब जब यहाँ का स्क्वायर ये उस साइड भेजना होता है तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट. तो ये आ गया बी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169. और हमें पता है 169 को अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए ये 13 से जाता है, 13 × 13 = 169, अगेन 13 × 1 = 13. तो हमारा बी डी कितना आ गया, दैट इज 13 मीटर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी डी आ गया हमारा 13 मीटर. अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, अब आप कहेंगे इसकी तो तीनों साइड्स पता है आपको, हेरोंस फॉर्मूला लगा सकते हैं. नहीं, अगर आप चाहें तो हेरोंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला लगाऊंगी फॉर्मूला, राइट. तो हाफ बेस क्या है हमारा, बी सी, और हाइट क्या है हमारी, सी डी. हाफ बी सी आया 12 और सी डी आया 5. तो ये कितना आ गया, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12.
तो 6 × 5 कितना हो गया, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर आ गया, राइट अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो अब हमें तीनों साइड्स पता है, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी का। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता था, हेरॉन्स फॉर्मूला लगेगा, देखिए एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के। अब एस निकालेंगे, एस के लिए हम देखिए ए बी सी लिख लेते हैं अपना। अब मान लीजिए ए बी को मैं ए मान लेती हूँ, राइट, बी डी को मैं बी मान लेती हूँ और ए सी को मैं सी मान लेती हूँ, राइट। तो अब हमारा ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे अपॉन टू। तो ए था हमारा 9, बी था 13 और सी था 8 अपॉन टू। तो ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 8 प्लस 9 इज 17, 17 प्लस 13 इज 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 आ गया, 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे निकालेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट, एस क्या था हमारा 15 आया है, अब 15 में से 9 जाएगा, ए हमारा 9 था, 15 में से बी हमारा 13 था और 15 माइनस 8 हमारा सी था। तो क्या आ गया स्क्वायर रूट में 15 एज इट इज इंटू 15 माइनस 9 इज दैट इज हमारा आ गया ये 6 एंड 15 माइनस 13 इज 2 एंड 15 माइनस 8 इज 7। अब हम पेयर्स बना लेंगे, तो देखिए 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3 5s are 15, 6 को 3 2s are 6 एंड 2 × 7, राइट। अब देखिए पेयर्स बना लेंगे, तो देखिए किस किस के पेयर बन गए, 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, दैट्स इट, और किसी चीज़ का पेयर नहीं बना है, तो हम एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा 3 × 2 और अंदर क्या बच गया स्क्वायर रूट में 35, राइट। तो ये आ गया 3 2s are 6 रूट 35। अब या तो आप रूट 35 की वैल्यू निकाल लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो देखिए स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 35 का स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल रही हूँ, 35 का स्क्वायर रूट। देखिए अब हमें पता है 2 का पेयर बनाया और 0.40s लगा दी, क्योंकि हमें पता है 2 डिजिट तक निकालना है, राइट। अब 5 5s are 25 हो गया, राइट। अब ये 10 बज गया और 2 जीरोज उतार ली, पॉइंट लग गया, 5 + 5 = 10, राइट। अब 1 0 6 6 देखें तो कितना आएगा, 6 6 = 36, 6 1 = 6 ये कम है, 7s देखें 7 times, 7 7 = 49, 7 1 = 7, 9s देखें 9 9 9 = 81, 9 1 = 9, 9s चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 981, तो ये माइनस करके कितना आया, 10 में से 1 गया इज 9, 9 में से 8 गया इज 1 एंड दैट्स इट। अब 109 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ गया 118, राइट, और ऊपर से 2 जीरोज उतार ली। अब नाउ 118 का देखते हैं, अब 118 2 2s are 2 2s are 4 2 8s are 16 2 1s are 2 and 3 2 1s are 2, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो 1 time ही जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5.91 आ रहा है, राइट। 2 digit तक देखें तो 5.91 आ रहा था, तो हम इसको यही लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा 6 × 5.91 ले लिया, तो ये कितना आ गया, 6 1s are 6, 6 9s are 54, 5 carry, 6 5s are 30, 35, और क्योंकि यूनिट मीटर में थी तो इसलिए मीटर स्क्वायर, मीटर है, इसको आप मीटर कर लीजिएगा, ये है हमारा 5 meter, राइट। अब देखिए अब हमें एरिया निकालना है पूरे फील्ड का, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है, इसलिए एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर,
ए बी सी डी, तो किस किस का एरिया आएगा? एरिया ऑफ बी सी डी का प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का, राइट? तो बी सी डी का एरिया हमें पता है कितना आया था, बी सी डी का एरिया आया था 30 मीटर स्क्वायर, और ए बी डी का आया है हमारा 35.46 मीटर स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, दैट इज 65.46 मीटर स्क्वायर हमारा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया है. तो 65.46 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली किस लिए कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट्स की वैल्यू आई है, आप इसको वन डिजिट तक भी कर सकते हैं. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी अगर वन डिजिट तक देखें, 65.5. क्यों 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 5 से ज़्यादा है वैल्यू, तो ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये हमने 2 डिजिट तक ही निकाला था, इसलिए 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आई है हमारे इस क्वाड्रिलेटरल की आंसर.